उमरिया SECL जोहिला क्षेत्र में 2 दिवसीय अंतर क्षेत्रीय रेस्क्यू प्रतियोगिता का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रमों आतिशबाजी पुरस्कार वितरण के साथ नौरोजाबाद कालरी के प्रमुख ग्राउंड में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि DDG वेस्टर्न नोग नागपुर मलय टिकदार, कार्यक्रम के अध्यक्ष डायरेक्टर टेक्निकल SK पाल, DF बिलासपुर, जी श्रीनिवासन, DMS बिलासपुर देव कुमार, चीफ जज DMS जबलपुर रीजन अशोक कुमार, जज DDMS परासिया क्षेत्र रिटाम मैथ्यू, जज DDMS स्ट्रिंग कमेटी के सदस्य कंपनी, सेफ्टी बोर्ड के सदस्य कंपनी, वेलफेयर बोर्ड के सदस्यों का जोहिला क्षेत्र के महाप्रबंधक हेमंत शरद पांडे ने साल श्रीफल फूलमाला के साथ स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि DDG वेस्टर्न जोन नागपुर मलय टिकदार, कार्यक्रम के अध्यक्ष डायरेक्टर टेक्निकल SK पाल ने रेस्क्यू प्लेग व कोल इंडिया प्लेग का ध्वजारोहण किया तथा विशालकाय अत्याधुनिक सेफ्टी लैंप का प्रज्वलन रिमोट कंट्रोल से किया। इसके पश्चात अतिथियों ने विभिन्न क्षेत्रों की टीम में आकस्मिक परिस्थितियों में कर्मचारी की जान बचा, उसे सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने के शानदार सारंगर्भित प्रदर्शन को देखा। जोहिला क्षेत्र के महाप्रबंधक हेमंत शरद पांडे ने मुख्य अतिथि अध्यक्ष व समस्त मंचासीन पदाधिकारियों व उपस्थित संपूर्ण SECL के महाप्रबंधक अधिकारियों कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कृतज्ञता प्रकट की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि DDG वेस्टर्न जोन नागपुर मलय टिकदार, कार्यक्रम के अध्यक्ष डायरेक्टर टेक्निकल SK पाल ने संबोधित करते हुए इसे एक बहुउपयोगी उल्लेखनीय सराहनीय बताया। कार्यक्रम धान बचाओ कार्यक्रम था, इसका क्या मुख्य संदेश यहाँ किसानों को क्या अधिकारियों को मिलेगा? देखिए, हम लोग प्रकृति का विपरीत काम करते हैं। जब माइंस में कोई इमरजेंसी होता है, आर या क्या कहीं एक्सप्लोजन हुआ, इस तरह का इमरजेंसी अगर होता है, तब ये रेस्क्यू टीम हमारा जो रेस्क्यू ब्रिगेड काम करता है। जहाँ साधारण आदमी काम नहीं कर सकते वहाँ रेस्क्यू ब्रिगेड काम करता है। वो जीवन भी बचाता है, खान का पत्ते भी बचाता है। एटमोसफेयर में जहाँ ऑक्सीजन नहीं रहता है, ये ब्रीदिंग अपैरेटस पहन के बचाव काम करते हैं। इस तरह का प्रतियोगिता जब होता है, उनका जो कॉम्पिटेंसी है, जो स्किल है, इसमें निखार लगता है। इस तरह का प्रतियोगिता दूसरा से कम था, कोरोना महामारी में चल रहा है, इस साल हर क्षेत्र से ब्रिगेड है, उसका जो प्रयोगता है, उसका जो स्किल है, उसका जो भाव लाए, तो भाव का आदान प्रदान होता है। रिसेंट टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिलेगा, इसलिए ये बहुत अहम है। ये रेस्क्यू टीम के द्वारा आज के कार्यक्रम में भी देखा गया, क्योंकि ये मांग की गई है कि जिस दिन वो ट्रेनिंग पे जाते हैं उनकी जो हाजिरी है वो डबल किया जाए, और बहुत सारी मांग की गई उन पर कब विचार करें। रेस्क्यू का जो रेमुनरेशन है बहुत पुराना है, अगर रेमुनरेशन बढ़ाने का तो प्रयास करेंगे कि इनका रेमुनरेशन बढ़े। सर, एक मुख्य यहाँ जोहिला क्षेत्र में एक माला चुहा खदान है जो पिछले 6-7 साल से यहाँ अदर पे लटकी हुई है, उसके क्या कारण है और वो कब तक चालू कर ली जाएगी, हम लोग कब तक सौ? माला चुहा विलम्ब होने का एक ही कारण है कि ये जो वाइल्ड लाइफ का कॉरिडोर है उसमें आता है, तो सर SECL के द्वारा कराया जाएगा, जैसे सुनने में आ रहा आउटसोर्सर्स के द्वारा शायद वो खदान चालू की जा रही है माला चुहा, क्या ये बात सही है? आउटसोर्सिंग में अभी इसमें प्रस्तावना है, अभी फाइनल MDO बोर्ड में। सर, एक और लास्ट सवाल, यहाँ देखा जा रहा है जैसे जो खदानें बंद हो रही हैं उनको प्राइवेट कंपनियों से कराया जा रहा है, क्या हमारे पास तकनीकी सुविधाएँ नहीं है या हमारे पास मेन पावर नहीं है, क्या मुख्य कारण है? बंद खदान को प्राइवेट माध्यम से नहीं किया जाएगा, अभी गवर्नमेंट का स्किल खदान हम चालू नहीं कर पा रहे हैं।